हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी तक आपने रूल नंबर 3 यानी कि एक्चुअली वर्ब के बारे में पढ़ा था। मैं आज आपको रूल नंबर 4 अदर प्रीपोजिशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस को सेंटेंस में चेंज करते हैं तो बहुत सी ऐसी क्रियाएं हैं जिनके साथ अदर प्रीपोजिशन का हम प्रयोग करते हैं, वे सभी इस प्रकार है। आइए चलते हैं सीधे ब्लैक बोर्ड की ओर। अदर प्रीपोजिशन, कुछ वाक्यों में बाय के स्थान पर हम अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जब क्रिया नो होती है तो उसके साथ हम टू का प्रयोग करते हैं, ठीक। सेंटेंस बनाने का तरीका वही रहेगा। जब क्रिया एनोनिमस होती है तो उसके साथ हम एट का प्रयोग करते हैं। जब क्रिया सरप्राइज होती है तब भी हम एट का प्रयोग करते हैं, और जब क्रिया कंटेंस होती है तब भी हम इन का प्रयोग करते हैं। नंबर 5, जब सेंटेंस में क्रिया डिसगस्टेस होती है तो उसके साथ हम विथ लगाते हैं। रूल नंबर 6, यानी कि जब सेंटेंस में क्रिया इंटरेस्टेड होती है तो हम इसके साथ इन लगाते हैं, एम यूज के साथ एड लगाते हैं, और प्लीज के साथ विथ लगाते हैं, और सरप्राइज के साथ एड लगाते हैं। और में अगर आपको कोई भी परेशानी आई हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं हमारे चैनल स्पार्क इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ये रूल ऐसा है कि अगर इसके अंदर अदर प्रीपोजिशन आते हैं इसमें आपको क्रिया देखनी होगी। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके साथ हम बाय का प्रयोग नहीं करते हैं, उनके साथ हम अदर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस बनाने का तरीका वही रहता है लेकिन प्रीपोजिशन चेंज हो जाती है। और हमारी वीडियो में जो अच्छे अच्छे कमेंट करेगा तो उन 3 व्यक्तियों को हमारी चैनल की तरफ से गिफ्ट प्रदान किया जाएगा।